नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग यहाँ पर माँ अकेडमी के साथ, पूरी टीम के साथ, ऐसे तमाम क्षेत्र के बच्चों के लिए जो शहरों की तरफ नहीं आ सकते या शहर में रहते हैं, उन सभी के लिए अब ऑनलाइन सोल्यूशन लेकर उपलब्ध हो रहे हैं कि उनको टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी या जितने भी वनडे एग्जाम हैं सबकी तैयारी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ पूरी टीम के साथ उपलब्ध करा सकें, जिसमें मैं विवेक मिश्रा आप लोगों को संस्कृत, जहां से थोड़ा समस्या का विषय बनता है, लगातार देखने में आता है कि लड़के जो है संस्कृत भाषा व्याकरण में ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यहाँ से कैसे पूरे अंक उठाए जाएँ। तो इस सेगमेंट पर, इस विषय पर बहुत ज़्यादा भूमिका न बताते हुए सीधे पहुँचते हैं कि संस्कृत में किस प्रकार से मेहनत करें कि हम लोग पूरे के पूरे 30 में 30 अंक लेकर आए। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधे संस्कृत पर पहुँचते हैं और संस्कृत की शुरुआत करते हैं। जैसे संस्कृत में पहले इसी कंटेंट विषय पर ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि संस्कृत शब्द बना कैसे है और इसका अर्थ क्या होता है, कैसे समझें या इसे कहा क्या जाता है। तो सबसे पहली चीज, हर विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको एक साथ भाषा और व्याकरण करके ही पढ़ाया जाता है, भाषा एवं व्याकरण। तो क्योंकि टेट और सीटेट को एक साथ पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को कहा जाता है भाषा व्याकरण, हिंदी है तो भी कहेंगे भाषा व्याकरण, और इंग्लिश है तब भी कहेंगे कि लैंग्वेज है, साथ में ग्रामर है। हर भाषा में लगभग इसी प्रकार की तैयारी होता है, लेकिन जब संस्कृत की बात करें तो एक बात अपने आप सभी विद्यार्थियों के मन में आती है कि संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण जितने भी भाषाएं हैं, जितनी संस्कृत भाषा, सभी भाषाओं की जननी, और सभी भाषाओं की जननी ही यानी कि जितना भी भारतीय परिवार की भाषाएं हैं इसके साथ यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की जननी के रूप में कौन दिखाई पड़ता है, संस्कृत भाषा दिखाई पड़ती है। संस्कृत में भाषा और व्याकरण यही शुरुआत करें और साथ में थोड़ा सा इसका अर्थ समझें। तो पहले संस्कृत का अर्थ क्या होता है, संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, दूसरा अर्थ है परिमार्जित, तीसरा अर्थ है परिष्कृत। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जिस भाषा का नाम ही शुद्ध है, उसके नाम का अर्थ ही शुद्ध है, उसके नाम के अर्थ में ये निहित है कि यह शुद्ध है, यह परिमार्जित है, यह परिष्कृत है, तो उसको समझने के लिए हमें किसी प्रकार के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना होगा, साफ साफ सारी चीजें पता चल जाएंगी। और बना कैसे है ये संस्कृत शब्द, तो सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है, सम उपसर्ग का प्रयोग, साथ में क्री धातु का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, क्री धातु का प्रयोग किया गया है, और साथ में कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। आप लोग देखते होंगे अलग अलग लोग जब इसे लिखते हैं इंग्लिश में तो लिख देते हैं संस्कृत, क्या लिखते हैं, संस्कृत लिख देते हैं। तो संस्कृत कहने से अपने आप ये ज्ञान ले लेना चाहिए कि सम इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो सम उपसर्ग जिसका मतलब ही होता है सम्यक, सम्यक का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल विधिवत है, साफ सुथरा है और ठीक मात्रा में है। क्री करने के अर्थ में आता है, जहां सम्यक कार्य करने, सम्यक परिणति, सम्यक व्यवस्था के बारे में बात की जाएगी, उन सब के बारे में बताएगी संस्कृत। साथ में एक साथ भाषा और व्याकरण भी चर्चा कर लेते हैं कि भाषा व्याकरण कहा जाता है, इससे क्या आशय सीटेट और टेट के विद्यार्थी लगाएंगे। तो सीटेट और टेट के विद्यार्थी जितने भी हैं उन सबको चाहिए कि वो साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आए इसमें उनको अपना नोट करते हुए बनाते जाए लगातार। सबसे पहले देखो, अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा जाए और चर्चा किया जाए कि सबसे पहले मनुष्य आया धरती पर कि भाषा आई, एकदम बेसिक से, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से, पहले मनुष्य आया कि पहले भाषा आई, तो जाहिर सी बात है किसी से पूछेंगे कि पहले मनुष्य आया कि पहले भाषा आई, तो बताएगा कि सबसे पहले मनुष्य आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और मनुष्य आया होगा, यानी कि प्राणी आए होंगे, मनुष्य से पहले भी बहुत से प्राणी आए, जीवित अनेक आए, साइंस इस बात की गवाह है, लेकिन मनुष्य आया तो मनुष्य ने ही भाषा का प्रयोग किया। साथ में सब भी करते रहे होंगे, लेकिन जो भी करते रहे होंगे मनुष्य से पहले भाषा का प्रयोग, वे केवल संकेतों के रूप में करते रहे होंगे। किसके रूप में करते रहे होंगे? संकेत के रूप में, क्योंकि उनके पास भाषा का कोई इस प्रकार का आदान प्रदान का माध्यम नहीं था कि जिस प्रकार का वो समझे उसी प्रकार का सामने वाला भी समझे। इसीलिए सभी मनुष्य से पहले अगर भाषा की बात करेंगे तो ये संकेत रहेगा, और मनुष्य में भी बात करेंगे तो संकेत ही सबसे पहले भाषा के रूप में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो हम हमारे अंदर मनोव्यथा है, हमारे अंदर विचार है, वो सामने वाला भी समझ पाए, बराबर हो बिल्कुल। तो संकेत सबसे पहले आया और उसके पहले मनुष्य ने बोला, तो जो बोला वो सबसे पहले ध्वनि, जिसे हम लोग आवाज कहते हैं, तो संकेत के बाद ध्वनि, जिसे हम लोग इंग्लिश में साउंड कहते हैं, और साथ में कुछ लोग देसी भाषा में कहते हैं आवाज है, और जब इसे हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो कहते हैं स्वर है। क्या कहते हैं? स्वर। देखो कितने नाम आ गए, ध्वनि है, साउंड है, आवाज है, स्वर है। जब भी बात करेंगे, चाहे ध्वनि कहें, चाहे साउंड कहें, चाहे आवाज कहें, चाहे स्वर कहें, तो संकेत के बाद कौन आए? ध्वनि। यानी भाषा की शुरुआत हुई तो जब भी बोलने की बात आएगी तो सबसे पहले आता है ध्वनि। इसीलिए एक फेमस क्वेश्चन जो बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और क्योंकि सबसे पहले यही ध्वनि सुनाई पड़ती है, हर जो छोटा बालक हो, कोई प्राणी हो, उसके मुख से जो सबसे पहली ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसीलिए पहला क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। दूसरी चीज, अब ये ध्वनि पे जरा चर्चा करें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न कर रहा है और ध्वनि उत्पन्न करने में क्या क्या करना पड़ रहा है। तो आप जानते हैं कि ध्वनि तभी उत्पन्न की जा सकती है, साउंड तभी उत्पन्न किया जा सकता है, साउंड एक वेव भी है, एक तरंग है, और तभी उत्पन्न किया जाएगा जब वायुमंडल में या वायु में कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कंपन, वाइब्रेशन होगा। और साथ में ध्वनि की बात है तो यह हमेशा मौखिक होगा। कैसे होगा? मौखिक, यानी पहली बार जो संवाद शुरू हुआ वो मौखिक संवाद के रूप में ही भाषा की शुरुआत हुई। तो भाषा ध्वनि है, साउंड है, आवाज है, स्वर है, और मौखिक रूप में है। जब भी कभी क्वेश्चन सीटेट या टेट में, दोनों में बन जाए, दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों में आते हैं। आप देखेंगे बार बार के पेपर में, जब से टेट सीटेट दोनों चल रहा है, लगातार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्वनि, साउंड, आवाज, स्वर, मौखिक, ये सब रखें। तो मौखिक शुरू हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। जैसे ज्यादातर देखेंगे कि क्लास में पढ़ाते समय अधिकांश टीचर ये बताते हैं कि वर्णों में ध्वनि सबसे इंपॉर्टेंट है और ध्वनि में स्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यंजन का कोई महत्व नहीं है, व्यंजन को महत्वहीन बना देते हैं। लेकिन हम अगली चर्चा देखें कि बोलने में जितना ध्वनि या स्वर इंपॉर्टेंट है, स्वर कहा जा रहा है, स्वर का मतलब ही स्वर, आवाज है, तो लेखन में उतने ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो दो बिंदु बनते हैं व्यंजन। लेकिन व्यंजन पे भी चर्चा नहीं करेंगे अभी, सबसे पहले उस बात पे चर्चा करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा भ्रांतियां और सबसे ज्यादा संदेह होता है, ऐसे पढ़ाई में जहां से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन पे जरा चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ध्वनि के बाद हम लोग ध्वनि को और क्या क्या कहते हैं। तो दो चीजें हमें मिलती हैं, एक मिलता है वर्ण और एक मिलता है अक्षर। अधिकांशतः टीचर यहीं पर स्टूडेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, और कर भी देते हैं लेकिन उस मात्रा तक नहीं कर पाते हैं कि पूरा इसके बीच का जो संबंध है वह स्पष्ट हो पाए। तो इसको स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन सेंस पे जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? कॉमन सेंस पर, क्योंकि सबसे पहले होमो सेपियंस हैं तो हमें कॉमन सेंस पे ही जाना होगा। तो ध्वनि के बारे में जाने, साधारण रूप में विषय में देखेंगे तो चाहे ध्वनि कहें, वर्ण कहें, अक्षर कहें, सामान्य रूप से इनका कोई विशेष अंतर नहीं है, इनको पर्याय के रूप में जान सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि इसका जो विशेष नॉलेज है, विशेष ज्ञान है, आज हम उसे इतना तो कम से कम सीख ही लेंगे, पहले ही वीडियो में इतना जान लेंगे कि कहां कहां से क्लियरिटी आनी है। तो पहले ध्वनि जान लिया और मौखिक जान लिया,
अब कहेंगे कि उसी ध्वनि, तीनों पर्याय हैं तो तीन शब्द क्यों बनाए गए हैं? तो पहली चीज, वर्ण क्यों कहा जाता है? जब मनुष्य ने ध्वनि बोलना शुरू किया होगा तो यह भी व्यवस्था ही होगी कि अब ऐसे कुछ ऐसा किया जाए, जब लिखने की व्यवस्था ही होगी कि अब इसको कुछ लेखन में बनाया जाए। तो लेखन में वर्ण का, अगर वर्ण से पहचान करना चाहते हैं, अगर सीधे इसी से पहचान करना चाहते हैं तो इसी पर समझें, क्योंकि आप लोगों को बेसिक ज्ञान चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा टफ नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्तरीय नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो सीधे यही समझें, अगर वर्ण का हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? रंग। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? रंग। और रंग का काम क्या होता है? पहचान करवाना। क्या काम होता है? पहचान करवाना। रंग पहचान करवाते हैं। तो यानी कि यहां पर जो वर्ण कह रहा है, यहां कैसी पहचान करवाएगा? यहां पहचान करवाता है आकृतियों। किसकी पहचान करवाता है? आकृतियों की पहचान करवाता है। यहां संरचना की पहचान करवाता है। तो कहे किसकी संरचना और आकृतियों की पहचान करवाता है? तो कहा जो ध्वनियां हैं, जो ध्वनियों के संकेत हैं, इनको हमने आकृतियों में ढाल दिया। ध्वनियों के संकेतों को हमने किसमें ढाल दिया? आकृतियों में ढाल दिया। और वहीं से हमने कुछ आकृतियां बना ली जिन्हें कह दिया वर्ण। तो इनका कहना अपने स्थान पर प्रासंगिक हो गया। आपने समझ लिया कि जो हमने ध्वनियों को लिखने का काम शुरू कर दिया, तो जितना इंपॉर्टेंस बोलने में मौखिक रूप में ध्वनि का हो गया, उतना ही इंपॉर्टेंस लेखन में किसका हो गया? वर्ण का हो गया। ये स्पष्ट हो गया है कि सबसे पहले मौखिक संवाद, मौखिक से पहले संकेत, और उसके बाद कौन आया? लेखन। फिर आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है, ध्वनि कहा जाता है क्योंकि मौखिक है, सबसे पहले शुरू हुआ है, इनिशियल है, शुरुआती है। वर्ण इसलिए कहा जाता है, आकृतियों की पहचान है लेखन में। तो कहा आकृतियां कैसे आई, आकृतियों से क्या बना? तो आकृतियां ही होती हैं लिपि। क्या होती हैं? लिपि। और आप सभी लोग जानते हैं लिपियों से बार बार क्वेश्चन आते हैं, बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, तीनों पूछा जाता है, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट। तो जानेंगे लिपि, लिपि को ही संरचना कहते हैं, कैसे लिखा जाता है वर्णों को, ये लिपि बताती है। और लिपि देखेंगे अगर संस्कृत की, तो लिपि है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर आया है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि आया है? देवनागरी। जो देवनागरी हम लोग कहते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लेकिन संस्कृत की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो ये लिपियों की बात हो गई। अब जरा सा अक्षर पे चर्चा कर लें, उसी को, उसी ध्वनि को, उसी वर्ण को अक्षर क्यों कहा जा रहा है? तो अक्षर कहने से भी तात्पर्य पर्याय के रूप में, सामान्य ज्ञान में हम लोग कहेंगे कि अक्षर का मतलब भी, ये भी पर्याय है। कई बार जो है स्टूडेंट से पूछते हैं तो सीधे बता देता है कि गुरुजी वर्ण ही अक्षर है, अक्षर ही ध्वनि है, और ध्वनि ही वर्ण है, वर्ण ही अक्षर है, अक्षर ही ध्वनि है, अक्षर वर्ण है। इसी प्रकार के गुस्से बनाता है, उसको स्पष्ट क्लियरिटी नहीं रहती। तो क्लियरिटी करने के लिए जाने, अक्षर कहा जाता है तो यथा नामो तथा गुण है। सबसे पहला तो यही, हम मनुष्य में भले यथा नाम तथा गुण ना हो, जैसा नाम हो वैसा गुण हो, लेकिन शब्दों का ये नियम है कि जैसा नाम होगा वैसे ही गुण होंगे। अक्षर की परिभाषा ही बनती है कि जिसका क्षय ना हो, न छियते, जिसका क्षरण ना हो, इति अक्षर है। साधारण तरीके से बना लीजिए, हालांकि और भी परिभाषाएं दी गई हैं व्याकरण की किताबों में, लेकिन सिंपल जान लें, न छियते इति अक्षर है। अर्थात जब वर्णों का जहां से क्षरण नहीं हो रहा है, जो नष्ट नहीं हो रहे हैं, जो ऐसी ध्वनि है कि लेखन में अब उससे नीचे नहीं जाया जा सकता है, इसलिए तब इन्हें अक्षर कह लिया जाता है। तो एक बार फिर से पूरी बात को रिपीट कर दें कि जनरल सेंस में ध्वनि, वर्ण और अक्षर एक तीनों ही पर्याय हैं, लेकिन उनकी जब समझ हमको विकास की अवस्था से क्रमशः देखना होगा, तो सबसे पहले ध्वनि और साथ में वर्ण और अक्षर को कह सकते हैं। लेखन में जितना इंपॉर्टेंट वर्ण है, ध्वनि सबसे पहले मौखिक रूप में इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ध्वनि, वर्ण और अक्षर को समझेंगे तो कभी भी टेट सीटेट के स्तर पे और किसी भी टीचिंग के एग्जाम के, टीचर्स के एग्जाम के स्तर पे आपको समस्या नहीं होगी। ये बेसिक बात है। इसके अलावा जब संस्कृत व्याकरण सीखना है हमें, तो संस्कृत व्याकरण में इतने ज्ञान के बाद एक स्पष्टता और आप लोगों को देना चाहेंगे शुरुआत में।
कि जब भी किसी भी विषय को पढ़ने जाएं तो जो उसका नाम है, जैसे भाषा और व्याकरण कैसे बना है इसको जरूर पढ़ें। जैसे हमने संस्कृत को पढ़ा वैसे ही उसको पढ़ें। तो अगर पूछ लिया जाए कि भाषा, भाषा क्या है, तो कहेंगे भास धातु से बना है। किस धातु से? भास धातु से बना है, यानी कि बोलने के अर्थ में। किस अर्थ में है? बोलने के अर्थ में। और पूछे कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण के संबंध में अनेक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, जिसमें से जो अनेक प्रकार से प्रचलित मत है उसे कहते हैं व्याक्रियंत्रे, व्याक्रियंते, व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरण है, इस रूप में परिभाषित किया है। कभी कभी सीधे परिभाषाओं को ऐसे पूछ लेता है कि व्याकरण की इसमें से सबसे समीचीन, सबसे उचित परिभाषा कौन सी होगी, तो उसमें हमको यही देखना है कि जिसमें उत्पत्ति की क्षमता हो, जो उत्पन्न कर सकता है, जिसमें विशिष्ट क्रियाओं का, व्याक्रियंते, जिसमें विशिष्ट क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, विशिष्ट उत्पत्ति की शक्ति है, ऐसा व्याकरण होता है जिसमें उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये बेसिक बातें हैं। उसके बाद जब संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत जितनी भी भाषाएं होंगी, चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी में एक कॉमन बात है कि सभी भाषाओं में टॉपिक बहुत सीमित होते हैं, इतने संक्षिप्त होते हैं कि उन्हें आराम से कर सकते। संस्कृत को सीखना है तो सबसे आसान है, मात्र 3 टॉपिक, क्योंकि हमें ज्ञान टेट सीटेट में या शिक्षक की परीक्षा में बेसिक नॉलेज लेना है, इतना नॉलेज लेना है कि पहले से 5वीं और 6वीं से 8वीं क्लास के बच्चों को आसानी से समझा सके। तो बेसिक नॉलेज में सीधे जाने कौन कौन से चैप्टर आएगा, तो पहला चैप्टर आएगा वर्ण विचार का, जिसे हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया भी आपके सामने रखा, वर्णों के बारे में परिचय। दूसरा आएगा पद विचार, यानी शब्द विचार भी कहा जा सकता है कुछ मात्रा तक। और तीसरा आता है आपका, जिसे कहते हैं वाक्य विचार। आप जानते हैं कि वाक्य के बाद सीधे गद्यांश और पद्यांश बन जाते हैं, इसे इंग्लिश में पैराग्राफ कहा जाता है, प्रोज एंड पोएट्री कहा जाता है। तो 3 ही टॉपिक है और 3 टॉपिक है, 30 नंबर है। सीधे डिवाइड कर लीजिए कि 10-10 अंक का एक एक टॉपिक होगा। अगर आपका एक क्लियर हो जाता है तो 10 अंक क्लियर। लेकिन न्यू के रूप में कौन है? वर्ण विचार। और वर्णों के विचार की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है, जब संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं, कि वर्णों की उत्पत्ति कहां से हुई। जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए, कोई शब्द सामने आए, तो कितने प्रकार से हमें सोचना चाहिए। जैसे वर्ण विचार हम पढ़ना शुरू करेंगे, हालांकि इस वीडियो में बहुत डिटेल हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे हल्का फुल्का बताते हैं। दूसरी वीडियो में इससे जोरदार आप लोगों को बताएंगे। वर्ण विचार में जब भी कोई टॉपिक आए, पद विचार आए, वाक्य विचार है, सबसे पहले वर्ण क्या है क्वेश्चन तुरंत बनाइए। जो आप लोग सर्वनाम में पढ़ते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, वही तुरंत क्वेश्चन बनाइए। वर्ण क्या है, वर्ण कैसे आया, वर्ण की उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मानव आया कि पहले वर्ण ही आ गया, दूसरा उत्पत्ति के बारे में जाने, फिर वर्णों के प्रकार क्या हैं, तो वर्णों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, वर्ण के प्रकार, वर्णों की उत्पत्ति, प्रकार जान जाएंगे तो प्रकारों में जो मिलेंगे उनसे क्या है, फिर वर्ण है तो भाषा के रूप में है, उच्चारण के रूप में है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान, और साथ में कितने प्रकार के हम लोग प्रयास करके, कितने प्रकार के प्रयत्न करके हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो प्रयत्न वाला टॉपिक, यानी वर्ण से जितने क्वेश्चन बनते हैं। और वर्ण विचार में ही एक सबसे जोरदार टॉपिक आता है संधि का, जो वर्ण का ही भाग है। हमको यही नहीं क्लियर होता है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में जाने कि वर्ण विचार के टॉपिक को हम लोग बिल्कुल कायदे से इन्हीं लेवल पर एक एक करके, वर्ण क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके प्रकार क्या क्या है, इनका उच्चारण स्थान कैसे है, इनका प्रयत्न कैसे है, और संधियां, इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से क्रमशः सीखते जाएंगे। हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए डेडिकेटेड रहेगी, जितने भी टीम में होंगे आपको सभी दिखाई पड़ेंगे, क्रम से वीडियो बनेंगे और इतना मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोगों को दूर
दूरदराज के क्षेत्र में रहते हुए या नजदीक में भी रहते हुए जो नहीं आ पा रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या है उन्हें, जो सस्ते में पढ़ना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन माध्यम भारत में, सशक्त भारत में बहुत तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को दूरदराज के क्षेत्रों में ये सारी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जिससे पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत। जय।